तो फाइनली SP125 नए 2023 मॉडल के साथ लॉन्च हो चुकी है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, तो काफी सारे लोग फेक बोल रहे थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कंपनी ने ऑफिशियल तरीके से लॉन्च कर दिया है। जो मैंने अपडेट बताए थे वही सेम अपडेट यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले बता दें जो कलर है वो पहले जैसे हैं, लेकिन जो ग्राफिक्स है वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले अपडेट इसके ग्राफिक्स में आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है, मैंने आपको बताया था कि इसमें चौड़े टायर सब रियर के साथ दिए जाएंगे। तो पहले केवल 80/100 का 18 इंच का रियर में टायर मिल रहा था, फ्रंट में सेम दिया गया था, काफ़ी पतले टायर्स थे, लेकिन इसे अब चौड़ा कर दिया गया है। रियर में 100/80 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर दे दिया गया है, जिससे कि काफ़ी लोगों की डिमांड थी। तो होंडा कंपनी ने कस्टमर की पहली डिमांड तो पूरी कर दी है, लेकिन जो इसमें डिस्प्ले मिलता है पहले जैसे मिलता है, फुली डिजिटल डिस्प्ले जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। यहाँ पे रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू इंपटी, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, स्पीड, गियर पोजिशन इंडिकेटर, ये सारे पहले जैसे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम मैंने आपको बताया था कि चेंज होने वाली है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब आपको क्रोम के थोड़ा सा नया आपको एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके इंजन में बदलाव किया गया है, OBD2 सेंसर के साथ अब मिलेगी, E20 फ्यूल कैपेबल के साथ मिल जाता है। बाकी जो इंजन पावर है पहले जैसी है, 125cc का फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो कि 10.9 PS का पावर 10.9 NM का टॉर्क जनरेट करता है। 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, सेल्फ ओके की स्टार्टर इसमें दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स पहले जैसे हैं, माइलेज भी आपको सेम पहले जैसे 65 km/h तक देखने को मिलेगी, डायमेंशन सारे पहले जैसे हैं, लेकिन जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11.2 लीटर की हो गई है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। अभी इसका ड्रम ब्रेक बेयरिंग के साथ एक्सम प्राइस 85,131 रुपीज रखी गई है, डिस्क ब्रेक बेयरिंग के साथ 89,131 यानी कि 89,131 रुपए तक रखी गई है, जो कि पहले से 927 रुपए तक इसकी प्राइस बढ़ाई गई है। तो लगभग 1,000 रुपए तक प्राइस पहले से बढ़ाई गई है। बस इसमें नया रियर में टायर दिया गया है, नई ग्राफिक्स दी गई है और नया OBD2 सेंसर के साथ इंजन दे दिया गया है। तो नए अपडेट के साथ होंडा SP अब आपको मिल जाएगी, नजदीकी शोरूम पे आप विजिट कर सकते हैं, जल्दी सभी शोरूम पे अवेलेबल हो जाएगी। ये होंडा कंपनी की SP125 में नया अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।